जय हिंद साथियों, आज हम लोग आपके सामने UP 80 की जो पेट परीक्षा होती है उसका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर एक चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि पूरे पाठ्यक्रम के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कौन सी किताब इसके लिए बेस्ट होती है और इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कौन सी किताब किस टॉपिक के लिए बेहतर होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि UP 80 जो आपके लिए पेट परीक्षा कराती है, इस पेट परीक्षा में अब 100 प्रश्न आते हैं, 100 अंकों को होते हैं, जिनके लिए समय 2 घंटा होता है। और आप सभी को इस बात को विदित रखना होगा, याद रखना होगा कि अब इसमें ज्यादा ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि जब ये शॉर्ट लिस्ट होता है तब उसमें ये देखा जाता है कि जिन पद के सापेक्ष कितने अभ्यर्थी उसके अंतर्गत आते हैं अगली मुख्य परीक्षा के लिए। तो चलिए, अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है ग्रुप सी की, तो UP 80 के पेट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप पेट का आवेदन किए तो सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम क्या है, इस विषय पर जानना सबसे जरूरी और अहम है। तो सबसे पहले हमारे रख के सामने जो पहले विषय आता है, इसे हम भारतीय इतिहास कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे कुल 5 नंबर के सवाल इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। इसमें पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास कहाँ से आया, इतिहास क्या था, इससे सवाल ना कर सीधा टॉपिक पूछा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम लोग को एक टॉपिक पढ़नी है सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा, वैदिक संस्कृति, क्या पढ़नी है? वैदिक संस्कृति। और ये दोनों प्राचीन इतिहास में जो पढ़ना था वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कई सभ्यता जिनको छोड़ दिया जाए, इतिहास कैसे खगोल जाते हैं, इतिहास क्या है उस पर हमें फोकस नहीं करना है। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म पे आते हैं और जैन धर्म, माने वहां पर 2 प्रमुख धर्म को पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये कहां कहां से, इनके सभी के बारे में एक एक लेक्चर लेना है। उसके बाद मौर्य वंश, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, गुप्त वंश, ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास है। और हर्षवर्धन काल, फिर उसके बाद राजपूत काल का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब हर्षवर्धन काल की अगर हम बात करें तो यहां तक आप एशियन हिस्ट्री में, अर्थात इसे अब प्राचीन इतिहास की सीरीज में पढ़ेंगे। कहां से? प्राचीन इतिहास की सीरीज में आपको यहां से पढ़ना है। इसके लिए अगर आपके पास NCERT कक्षा 6 की किताबें मिल जाती हैं, बेस्ट है। कक्षा 6 की किताबें जो 6 की किताब है वह इन टॉपिकों के लिए सबसे बेहद और सबसे महत्वपूर्ण है NCERT की। उसके अलावा आप लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ बाजार में जैसे यूनिक की किताब है जो ऑथेंटिक है, जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, जो अपने आप में ऑथेंटिक रखते हैं, वो पढ़ सकते हैं। या आप इलनिब दुर्गेस के नोट्स भी प्राप्त करके वो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं राजपूत काल, ये आपके मध्यकालीन इतिहास में है। सल्तनत काल, ये भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में है। फिर ये मध्यकालीन में आ गया मुगल साम्राज्य, ये मुगल साम्राज्य हो गया, यहां तक का जो है राजपूत, सल्तनत और मुगल, ये आपके मध्यकालीन भारत में क्या है? मध्यकालीन। अगर मध्यकालीन की बात करें तो यहां पर NCERT की 7th, अगर NCERT की बात करें कक्षा 7 की बुक आपके लिए, ये टॉपिक कक्षा 7 के NCERT में आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, अगर आपने NCERT पढ़ा होगा या NCERT पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो क्लास 7 की जो NCERT है वहां से आपको इसमें कुछ चीजें मिल जाएंगी। कहां पे? 7th की, ठीक है। तो आप लोग ये जानते रहिएगा 7th NCERT मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक ध्यान देते हैं हम लोग जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है वो ये है, ब्रिटिश राज मैंने यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन और क्या था, तो यहाँ पे मराठा 1, ब्रिटिश साम्राज्य 2, अभ्युदय मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहा, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो भारत के थे, मतलब यहां से भी मिलाकर ये आधुनिक भारत का इतिहास। ये आप लोग कक्षा 8 की अगर NCERT अगर आपने पढ़ ली तो रफली आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। लूसेंट इसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा इलनिब दुर्गेश पर मेरे द्वारा इसकी सीरीज आ रही है, जो इलनिब दुर्गेश के यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैं निःशुल्क आपको पढ़ाता हूँ, देश हित में, राष्ट्रहित में, ताकि आप भी अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और समाज में कुछ बड़ा कर सके। ये निःशुल्क क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ ऐप अगर है तो प्ले स्टोर का डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को अपने पास रख लीजिएगा। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम पर जुड़ना कैसे है, आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, टेलीग्राम पर सर्च करना है ऐसे दुर्गेश, स्पेस मत दीजिएगा, इलर्निंग पर दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको वहां सभी नोट्स क्लास मिल जाएगा और ऐप पर प्ले स्टोर पर जाइएगा, इलर्निंग पर दुर्गेश का ऐप भी मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से भी 5 अंक आते हैं, काफी भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास में एक सीरीज आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष,
स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेता की भूमिका मोस्ट आईएमपी है, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। माने ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 5 अंक, मतलब अगर हम बात करें इतिहास में 5 + 5 = 10 अंक आपके सवाल पूछे जाएंगे, जो जीएस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप 6, 7, 8 की इतिहास पढ़ लीजिए, लूसन किताब पढ़ लीजिए, यूनिक पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए, या आपको अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स मिल जाए तो आपके मेंस परीक्षा में भी काम करेगा। इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी, मतलब पेट के बाद जब मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, वहां के जीएस के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स आपके लिए रामबाण का काम करेगी। इसलिए दोनों जगह आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं, इसकी भी सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब एक टॉपिक आता है भूगोल, ये भूगोल भी आपके 5 अंकों के हैं, अभी तक 10 अंकों के 5 अंक। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, विश्व का क्या है भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, ये भारत का और विश्व का, भूजल संसाधन ये कक्षा 7 में है, पर्वत पहाड़ियां हिमनद कक्षा 6 में भी है, वन मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, खनिज संसाधन 8 में है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल माने मानचित्र के आधार पर, मानचित्र में कौन सा राजधानी क्या है, कहाँ की मुद्रा क्या है, किसका सीमा किससे लगी हुई है, जलवायु और मौसम, टाइम जोन अर्थात देशांतर रेखा एक तरह से आएगा, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये 5 नंबर के हैं। और यहाँ से आपके परीक्षा में झोला भर भर के सवाल आएंगे, इसलिए इन 5 नंबर की जो टॉपिक 3 है इसको भी तैयार करना है। इसकी भी सीरीज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी, आप चाहे तो इसकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चाहे अपनी तैयारी कर ले, आपको लूसन में भी मिल जाएगा, ये यूनिक प्रकाशन में भी मिल जाएगा, दिग्दर्शिका के नाम से जो आती है, और बहुत सारे जीएसई किताबों में आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत डीप मत पढ़िएगा, उतना पढ़ेगा जिससे परीक्षा में स्कोर कर सके। इसीलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सिलेबस की तरफ, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ भी 5 अंक के आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ने, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से लेकर उदारीकरण तक, मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक क्या रहा, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, और एक से लेकर कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई है, उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है, हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र क्या क्या होते हैं, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए, कृषिगत सुधार, श्रम सुधार, ढांचागत सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, मैंने इन क्रमिक टॉपिकों को पढ़ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि परीक्षा में यहीं से सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस भी आता है, इसलिए एक बार हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे, ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस कहाँ तक जाता है। इसलिए जो नोट्स होगा वो नोट्स सिलेबस होगा और सिलेबस के बाहर भी आपके लिए रहेगा, ताकि आप जब भी तैयारी करें, जब भी पढ़ें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट रहे कि परीक्षा में इससे बाहर आपके लिए सवाल ना है। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था, इसकी भी नोट्स आपको लेने भी दुर्गेश की मिल जाएगी, आप चाहें तो घर बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं 5 अंक ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसद की कार्यप्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था, ये इतने टॉपिक हैं जो 5 अंक हैं। ये भी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएंगे, वहाँ पढ़ लीजिए, क्लास में मिल जाएंगे, और इसमें अगर ना मिले तो आप घर लूसेंट किताब, मैं बार बार कहूँगा लूसेंट, यहाँ पे आपको लूसेंट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ने होगा अगर क्रमारूप से, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ इसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाए तो नोट्स आप ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान में 5 नंबर के हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, मतलब यहाँ पर मिलाकर कुल 5 अंक ही है। और इसमें भी एक एक नंबर, दो दो नंबर के सवाल अगर हम देख लें तो ज़्यादा बहुत लंबा नहीं है, कहीं से आपको मिलाकर दो दो नंबर एक तरह देखा जाए, कहीं दो से कहीं एक नंबर, कहीं 5 नंबर, टोटल विज्ञान से हम कह सकते हैं कि 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, आगे हमने देखा और आपने भी देखा कि यहाँ पे अब आपके सामने है प्रारंभिक अंकगणित। अगर प्रारंभिक अंकगणित की बात करते हैं तो सबसे पहले पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, औसत,
तो माने इतने टॉपिक केवल आपको पढ़ने हैं पूरे अंकगणित में पांच, माने जिनको गणित से डर लगता है उनके लिए भी अब थोड़ा सा आसान हो गया कि हाँ यार इतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो याद रहे प्रारंभिक अंकगणित के लिए भी पूर्ण भिन्न दशमलव प्रतिशत साधारण अंकगणित समीकरण हो गया, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हो जाएगा, घात और घातांक औसत, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल इससे बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो आप कुछ कर पाएंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। साथ ही साथ सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश, गद्यांश में एक नंबर पूछते हैं, दो नंबर आ सकता है, और इसका जो ग्रामर है जो व्याकरण है वहां से भी 3 या 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो मतलब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, ये सिलेबस में हम बता रहे हैं ये भी 5 नंबर के हो गए 8, मतलब अगर देखा जाए अभी तक हम लोगों ने 40 अंक का सिलेबस देख लिया है। इसके लिए भी नोट्स आपको ये लेने विद दुर्गेश की मिल जाएगी इंग्लिश के लिए भी, लेकिन अपठित गद्यांश आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए आप घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, यहाँ पे एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब की बार पेट पार, इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। अब फैसला आपका है, या तो हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहिए या अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी जो क्लासेज हैं, ये नोट्स है, ये जौनपुर से मिल सकते हैं। मेरी क्लास आपको हमेशा निःशुल्क मिलती है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क लेके आता हूँ। ये इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर हैं, आप वहाँ कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं, आगे है सामान्य हिंदी की हम बात करते हैं। सामान्य हिंदी हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समिश्रित भिन्नार्थ शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचना गद्य और पद्य के, मतलब यहां से भी मिलाकर आपके 5 अंक आएंगे। इसकी भी सीरीज आपको मिल जाएगी, नोट्स में आपको यहां मिल जाएगा, रचना भी एक लाइन में आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। साथ ही साथ तर्क एवं तर्क शक्ति की बात करते हैं, इसमें तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, ये भी 5 अंक आएंगे। बृहद लघु क्रम रैंकिंग हो गया, संबंध हो गया, रक्त संबंध की बात कर रहा है, कैलेंडर घड़ी हो गया, समूह से को अलग करना माने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग है, सभी में पूछा जाता है, निगमात्मक तर्क, कथन विश्लेषण, कारण और प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो परीक्षा में आजकल झोला भर भर के सवाल आते हैं, यहाँ से भी 5 अंक आएंगे, इसके लिए भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस पर है, और इसके लिए अरिहंत की किताबें आपके लिए बेस्ट है मार्केट में, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको मिलती रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो सामान्य जागरूकता है, जिसे हम विविध के नाम से जानते हैं, इसे किसे सामान्य जागरूकता या इसे हम विविध कहते हैं, क्या कहते हैं, विविध, ये विविध में है। ठीक है, अब इसमें भारत के पड़ोसी देश, ये भारत के परिचय में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देश और राजधानी, मुद्रा माने भारत के आसपास जो पड़ोसी देश है उनके राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, पुरस्कार विजेता, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय पर्यटक स्थल, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मैंने जो भारतीय संविधान में छोड़ गया था उसे यहाँ पे समाहित कर दिया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, पर्यावरण, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, मतलब ये पूरा विविध का सिलेबस है। जो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में सुपर टेट में पढ़ रहे थे विविध, वो आपको यहाँ पे पूरा पूरा मिल जाएगा। ये 10 अंक में है, और जबकि सुपर टेट में 30 अंक का है, लेकिन यहाँ पे समसामयिक की भी जोड़ दिया जाए, भारत और विश्व में अगर जोड़ दिया 10 नंबर यहाँ, माने सुपर टेट में जो विविध और करंट मिलाकर 30 अंक आता है, यहाँ पर हमने आपने देखा कि 20 अंक में दोनों आते हैं। तो अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पेट अगर आपने पढ़ लिया तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हो गई, और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ पर आपकी पेट की तैयारी हो जाएगी। तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। साथ ही साथ अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना, 2 गद्यांश होंगे 5-5, 10 नंबर के, ये 10 नंबर तो आपके पक्के हैं, क्योंकि केवल पढ़ना है, ये केवल केवल प्रैक्टिस पर है। ग्राफ की व्याख्या, ये ग्राफ की व्याख्या है, ये भी 10 अंक का है, ये भी आपको पाई चार्ट DIG से कहते हैं, ये भी आपको इलर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से मिल जाएगा, जहां पे ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण हो जाएगी, अब उससे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तीसरा है तालिका की व्याख्या है विश्लेषण, तालिका क्या है, व्याख्या विश्लेषण, यहाँ पे तालिका भी क्या होगी, 5 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। तो यहाँ पर भी इस प्रकार हमने देखा कि 100 प्रश्न होंगे, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो तालिका और ग्राफ है, ये अगर आपको नोट्स में नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम पर जब जुड़ेंगे तो टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और अगर वहाँ नहीं मिल रही है तो आप इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा जो प्ले स्टोर पर है, जब वहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर कुछ विशेष बिंदु है जो आपको ध्यान देना होगा, क्रम संख्या 1 से लेकर 9 तक अंक शैक्षिक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर NCERT द्वारा निर्धारित होगी, माने अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 12 तक की कठिनाई स्तर होगी, और परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पियों का प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी,
आप घर बैठे नोट्स प्राप्त कर ले, यहाँ से लर्निंग विद दुर्गेश से आप लोग जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ एक एक टॉपिक की सीरीज आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी और प्रतिदिन क्लास मिल रही है। 9:30 बजे की सीरीज देखें तो जीएस की सीरीज मिल रही है जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो रात 9:30 बजे की सीरीज में जुड़िएगा। इसके अलावा आपको सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाती है, फिर सुबह 7 बजे आपको मिल जा रही है। ये सभी सीरीज आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रेगुलर है, जो ऑनलाइन क्लास जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, वो सीरीज भी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा जो प्ले स्टोर पर है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और उसके अलावा अगर टीम से पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पे भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आप इस बार, अब की बार पेट पार करेंगे और अगली बार एक सीट हमार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेस के घोड़े, रेस में अच्छे लगते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके अलावा स्टडी विद दुर्गेश सर का चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जीएस की कुछ सीरीज जो एनसीईआरटी सीरीज है, आपको हमेशा स्टडी विद दुर्गेश सर पर मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 735517 9012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।